नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव के लिए सीएम अशोक गहलोत की 8 दिन तक की गई बाड़ेबंदी सफल रही। कांग्रेस व सहयोगी दलों का एक भी वोट नहीं कटा। शुक्रवार को कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जीते, जबकि भाजपा के 2 में से 1 प्रत्याशी ओकार सिंह लखावत हार गए। जीत के बाद निर्वाचन अधिकारी ने केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी और राजेंद्र गहलोत को सर्टिफिकेट दिया। तीनों नेताओं ने हाथ खड़े कर जीत का निशान भी बनाया। भाजपा ने 1 वोट भी गवाया। भाजपा के दूसरे प्रत्याशी ओंकार सिंह के लिए तय 21 वोटों में से भाजपा का 1 वोट राजेंद्र गहलोत को डाल दिया गया, जिसे प्रायोरिटी का उल्लंघन हुआ और वोट खारिज हो गया। माकपा ने अपने दोनों विधायकों से किसी भी दल को वोट नहीं देने को कहा था, लेकिन भादरा विधायक बलवान पुनिया ने कांग्रेस को वोट दिया। हर प्रत्याशी को जीत के लिए 51 वोट चाहिए थे। 200 सदस्यों में से मंत्री मास्टर भवनलाल अस्वस्थ होने व अस्पताल में होने से नहीं आ पाए। श्री डूंगरगढ़ से माकपा विधायक गिरदारी ने वोट नहीं दिया। 1 वोट खारिज होने से 197 वोट बचे। वहीं कांग्रेस के वाजिब अली के वोट को लेकर विवाद हो गया। भाजपा ने उनका विरोध कर चुनाव अधिकारी को शिकायत की कि वे ऑस्ट्रेलिया से लौटे हैं, उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा जाना चाहिए। पहले वाजिब अली को वोट देने से रोक दिया, बाद में उनकी कोरोना की जांच की गई और वे पीपीई किट पहनकर वोट डालने गए। इससे पहले कल दोनों दलों ने अपने विधायकों से मॉक पोलिंग कराई ताकि पूरी तरह से रिहर्सल हो जाए। राज्यसभा चुनाव में 3 सीट के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस के खुद के 107 व सहयोगियों सहित 124 वोट संभावित थे। मास्टर भंवरलाल को छोड़कर सभी मिले। भाजपा के 75 वोट थे, इनमें से 1 वोट खारिज हो गया, बाकी 74 मिले। राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की प्रक्रिया के दौरान खास पेन और पर्पल स्याही का इस्तेमाल किया गया। सभी ने सैनिटाइजर से हाथ धोए। सीएम गहलोत अपनी गाड़ी से विधानसभा पहुंचे थे। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 2 और माकपा के 1 विधायक ने कांग्रेस का समर्थन किया और उन्हें ही वोट डाला। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।